I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. भूल जा भाई उसे। अरे ये बार वालियां किसी की नहीं होती हैं। जो एक बार इनमें घुसा है ना, साला नंगा होके बाहर आया है। देख, दूर रहन सबसे। फ्लोर पे ज्यादा लड़की रखना आज बहुत रिस्की है। क्या है कि इन मीडिया और पुलिस के कबरी लोगों का बहुत टेंशन है आजकल। इनको हफ्ता देते रहो, चाहे खुद का धंधा चले या ना चले, हरामियों को जितना खिलाओ उतना कम है। इसलिए लड़की लोग बाहर गाड़ी में आए, जैसे ही किसी का कोई गेस्ट आया इधर से एक बार वो अंदर। पियो पियो, आप पहले आ रही है। क्या कर रहे तू यहाँ? हाँ, क्या कर रहा है? चल उठ। अरे उठ यार, इधर आ। बोला था ना मैंने, बोला था उससे दूर रहे। अबे तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है? अरे नर्क की तरफ जा रहा है यार तू। तेरा आज, तेरा कल सब कुछ बजा देगी ये। अबे अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोच, अपने बाप की इज्जत के बारे में सोच, कुछ तो सोच। ये बार वालियां है ना, ब्लाउज में रखती है तू जैसे लड़कों को, समझा? जिसे तू लव समझ रहा है ना, वो लव नहीं है, वो उसका जिस्म है जो तुझे अट्रैक्ट कर रहा है, समझता क्यों नहीं? अब जिस तरफ तू जा रहा है ना, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। अरे इतनी छोटी सी बात मुझे समझ में आ गई तो फिर तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है?
अरे जतिन, विनीता जतिन कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। जतिन, गुड मॉर्निंग डैड। सुना है तुम कल रात भी घर लेट आए, और आजकल तुम ज्यादातर ऑफिस वाले फ्लैट में रहते हो। बेटे, इज एवरीथिंग ओके? यस डैड। ठीक है, दोपहर को ऑफिस में मिलते हैं। गाना लीजिए मेहता साहब, ये गाना आपके लिए है। वहां जो बैठा उसे बुल बरखा बुला रही है। कहता है आ, मुझे छूले, 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 बुलाया आपको मुझे छूले। क्या? वो बरखा ने आपको अंदर बुलाया। मुझे नहीं पता। आइए। हाय, इधर आ बैठ। क्या? अरे कितने दिन से देख रही है, तू इधर आता है, कोने में बैठ के ड्रिंक ऑर्डर करता है, मुझे देखता है, कलेक्शन जमा करता है, और फिर बिना पिए बिल देके निकल जाता है। अरे क्यों, सामने आके बैठने का ना? जब पैसा खर्चा करता है तो मजा भी पूरा लेने का नहीं? नाम क्या है तेरा? जतिन। करता क्या है, मतलब धंधा पानी क्या तेरा? लॉ की पढ़ाई करता हूँ। लॉ बोले तो? वकालत। अरे वाह, वकील है तू? अभी तक बना नहीं हूँ। जब वकालत पढ़ रहा है तो वकील भी बन ही जाएगा, है ना? देख, मैंने तेरे को ये कहने को बुलाया है कि ऐसे चोरों के माफिक कोने में नहीं बैठने का, सामने आके बैठने का। तू भी खुश, मैं भी खुश, क्या? क्यों? क्यों बोले तो? मेरी मर्जी, मैं जहां चाहूं वहां बैठूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, इधर सबको मालूम है कि तू मेरे पे फिदा है, मेरे वास्ते आता है, मेरे को देखने आता है। तो फिर ऐसे कोने में खरगोश के माफिक दुबक के नहीं बैठने का? इसने रखा है तेरा नाम खरगोश। अरे सुनो, क्यों मजाक बनाया बेचारे का? यहां आने वाला अपना मजाक खुद बनाता है। देख, मुझे लगता है ये तुझे सचमुच चाहता है बरखा। मर्द सिर्फ एक ही चीज चाहता है मेरी जान, शुरू जाए कहीं से भी करे, पहुंचता आखिर वही है। औरत प्यार के लिए मर्द के साथ सोती है, और मर्द सोने के लिए प्यार करता है। ऐसा नहीं है रे, दुनिया मैंने भी देखी है बरखा, आंखें मैं भी पहचानती है। देखा नहीं कैसे दिल आंखों में लिए देख रहा था तुझे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिल आंखों में रख के देखे या मां की आंख देखे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पैसा मेरी जान, बस पैसा अपना जाने, बाकी सब चीनी काम पानी। चल उठ फ्लोर पे चले। और
नमस्ते अन्ना। अरे मिस्टर परफेक्ट, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अन्ना, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बैठो ना, बोलो। अन्ना, वो मेरा दोस्त है ना जतिन। हाँ। उसका दिल आया है आपकी एक लड़की पे, वो बरखा। अन्ना, इफ यू डोंट माइंड, क्या वो मेरे दोस्त के साथ एक रात बरखा, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, मर्जी से, अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी हो तभी, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है, बाकी पैसा जितना बोलेंगे उतना मिलेगा। तुम्हारा दोस्त अपुन का हेल्प किया, बिना पैसे के किया, दिल से किया, इसलिए अन्ना ने भी टोटल रिस्पेक्ट किया। सेम हेयर अन्ना। पन अभी अपुन की बात सुनने का, ध्यान से सुनने का और अच्छी तरह समझने का। हाँ। पहला बात ये कि माई इधर बार चलाता है, चकला नहीं। अरे नहीं नहीं अन्ना मैं। और दूसरा बात, अन्ना को मालूम कि बार डांसर का पब्लिक की नजर में क्या इमेज, बोले तो सबको लगता है कि बार में नाचने वाली हर लड़की रंडी, चमड़ी बेचती, पैसे के लिए किसी के साथ भी सो जाती, पन ऐसा नहीं है। मजबूरी कब किसको कितना गिराता है ये टाइम का बात है, ये बाजार में जरूर है, पन बाजारू नहीं। और जिधर तलक बरका को मैं जानता है, वो ऐसी लड़की नहीं, बिकने वाली नहीं। सच्ची बोले तो अगर यही बात कोई और मेरे को बोला होता ना, तो अपने पैरों पर बार नहीं जाता मैं। वो थैंक यू जी। क्या बात है, साला मेरा शेक कब आएगा? अरे हेमा, रीना, कविता, चलो फ्लोर पे नहीं जाने का है तुम लोग को। ए हीरो, मेरा नंबर कब लगाएगा? वो साला मेरा बुढ़ा बाहर बैठे बैठे कब से मेरा इंतजार कर रहा है, इंतजार करते करते अगर टपक गया ना तो नुकसान तो मेरे गले का होगा ना, साला वैसे ही फटी पड़ी है। इन दो घंटों के अंदर वो साले मामू लोग कभी भी आएंगे और कभी भी बंद करा देंगे। अरे वर्षा, तू काय को इतना टेंशन लेती है, अन्ना का फुल सेटिंग है मामू लोग के साथ, तेरे को कुछ नहीं होएगा, फुल गारंटी देता हूँ मैं। क्यों, पहले भी थी ना सेटिंग? सेटिंग तो थी, पड़ी ना रेड पिछले महीने, ये हेमा, रीना, कविता, हिरनी, सबकी सब एक हफ्ते के लिए थी अंदर। हाँ तो जमानत भी करवाया ना अन्ना ने, सबकी सब बाहर निकली ना। अरे होता है ये कभी कभी, चल छोड़, बुलाता हूँ तेरे को। अरे तुम लोग चलो ना, जल्दी चलो। बरखा। हाँ। वो तेरा खरगोश है ना, बड़ा चैप्टर निकला यार। क्यों, क्या हुआ? वो जो मोटू है ना, जो उसके साथ आता था, वो अन्ना के साथ सेटिंग कर रहा था, तेरे को एक रात वो खरगोश के साथ सुलाने के वास्ते। कितना दे सकता है? क्या कितना दे सकता है मेरे साथ सोने के वास्ते? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों, क्या हुआ?
यही तो चाहता था ना तू, इसी के लिए मरा जा रहा था ना तू, इसी के लिए इतने दिन से इतने ड्रामे कर रहा था। अब क्या हुआ, अब बोल क्यों नहीं रहा, बोल ना। तुमसे किसने कहा कि मैं ये? ए, मेरे सामने ये नाटक नहीं करने का, भोला बन रहा है? कौन भेजा वो मटन की दुकान को अन्ना के पास, मेरे को तेरे साथ रात बिताने का रेट लगाने को? अरे डायरेक्ट आने का था ना, डायरेक्ट आके कहने का था कि तेरे को मेरे साथ सोने का है। साला हिम्मत नहीं है, सबके सब एक जैसे, सबके सब एक ही नस्ल के पशु। क्या लगा तेरे को, मैं दरबार में नाचती है तो धंधा करती है मैं, और साला दो दो घंटे फ्लोर पे अपना पसीना बहाती है, कमर तोड़ती है। जितनी बार पैसा लुटता है ना मुझ पर, उतनी बार खुद लुटती है मैं। साला रोज गंदी भूखी नजरों का बलात्कार सहती है, तब जाके कमाती है पैसा, अपनी मेहनत का खाती है। समझा तू? For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.